अस्सलाम वालेकुम भाई और खानो, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और हमारी वीडियो देख अपने घर वालों को सबको सबको सपोर्ट कर रहे होंगे। और हम जैसे आप लोगों के लिए एक सीरीज़ बना रहे हैं कि आप लोग कितना एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं बैठ कर। अब हम आपको बताएंगे कि आप लोग एक अच्छी टेक की कंपनी, जो लोग टेक का शौक़ रखते हैं उन लोगों को पता होगा कि टेक में कितना मज़ा है। और एक ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की फील्ड है और इसमें लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छा से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और जॉब अच्छी जगह कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में बहुत ही ऐसी मिसालें हैं जिसमें लोग बहुत ही अच्छी अर्निंग कर रहे हैं और उनमें से बहुत ही अच्छा रेवेन्यू जनरेट अर्निंग कर रहे हैं और उनकी बहुत ही अच्छी सैलरी है। तो मैं भी आप लोगों को ये बताऊँगा कि आप लोग कितना अच्छे जगह जॉब हासिल कर सकते हैं अपनी स्किल्स को पॉलिश करके। ये नहीं मैं सिफारिश वगैरह बताऊँगा जितना आप लोग अपनी स्किल्स को पॉलिश करके अच्छी जगह वो कर सकते हैं, अच्छी जगह जॉब हासिल कर सकते हैं। तो टेक की कंपनीज में सबसे पहले आप लोग स्किल्स का पॉलिश होना, प्रैक्टिस का बेहद अच्छी होना बहुत ही ज़्यादा लाजमी है। प्रैक्टिस किस तरह अच्छी होगी? जैसे टेक में सबसे पहले काम आता है कि आप लोगों ने अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सबसे ज़्यादा पॉलिश करना है। जब आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी होगी ना तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी जगह जॉब मिल सकती है बहुत ही आसानी से। जैसे पाकिस्तान में मिसाल है शफीका इकबाल की, उसने क्या किया, वो हालांकि यूनिवर्सिटी में वो एवरेज थी, मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इस तरह था कि एक इतने ज़्यादा इतना प्रोजेक्ट में भी क्या नाम है नहीं हिस्सा लिया, मतलब कि वो एक लाइफ के एक्सपीरियंस ले रही थी सब। मगर जो चीज़ वो पढ़ती थी उसको 5% अपने प्रोफाइल पर आएगी, उसको जाके वहाँ पीछे के लोगों को सिखाना शुरू कर देती थी, उसकी सर्विसेज देती थी, ठीक है। इस तरह उसने अपनी स्किल्स को पॉलिश करके रखा, अपने हर लेक्चर को जो जो उसने दिया था उसने उसको सबसे ज़्यादा पॉलिश करके रखा, ठीक है। उसके बाद उसने जो जो सीखा उसको सिखाती थी, उसने सारी डाटा बेसिस और हूप वगैरह सब पे काम किया। और इसके बाद उसको उसी की प्रोफाइल को देख के फाइवर अपलोड की, गूगल ने उसको रीच कर उसको अपनी जॉब पे रख दिया, ठीक है। तो ये काम था, उसने ये करती थी और उसको अच्छी जगह जॉब मिली। आप लोग किस तरह कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमने अपनी प्रोग्रामिंग वगैरह सीख ली है, उसने अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीख ली है या कंप्यूटर साइंस सीख लें, जो भी सीखना सीख लें और उस पर काम करना शुरू करें और अच्छी एक जगह जॉब हासिल करें और आप लोग अच्छा कमाएं। उससे फ़ायदा आप लोगों का या हमारा कोई फ़ायदा नहीं है और आप लोगों को अच्छी जॉब मिलेगी, हमें नहीं मिलेगी। हम अपना काम आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, आगे आप लोगों का काम है कि गाइडेंस को आप लोग किस तरह हैंडल करते हैं। लगे रहें, काम करते रहें, इज्जत अल्लाह ताला ने देनी है, फिर भी इसको अल्लाह ताला ने देना है। हमारा काम है कोशिश करना है गाइडलाइन देना। तो यही गाइडलाइन है कि अपनी स्किल्स को पॉलिश रखें। आप आज टेक हर चीज़ में आजकल टेक का बहुत ही ज़्यादा रुझान आ रहा है, टेक का रुझान आ रहा है, हर चीज़ टेक पे चल रही है, ठीक है। हर चीज़ जो भी आप लोग देख लो, टेक्नोलॉजी हर चीज़ में आ रही है, गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक आ रही हैं, बाइक्स इलेक्ट्रिक आ रही हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें टेक्नोलॉजी नहीं आ रही? हर चीज़ में टेक्नोलॉजी आ गई है यार, फर्श तक के मार्बल में टेक्नोलॉजी आ गई है, वो मार्बल चेंज हो जाती है सारा वो इस तरह करके। तो ये चीज़ें हैं हर चीज़, आगे टेक्नोलॉजी का दौर है, कोई भी टेक की फील्ड उठा लें उसको पकड़ लें और उसमें लगे रहें, बस ये काम आगे और कोई काम बस आगे आपकी लग जाए। अल्लाह ताला आपको इज्जत दे इंशाल्लाह और आप लोगों को अच्छा रोजगार दे। तो उसी के साथ हम आपको अल्लाह से कहेंगे, बस आप लोगों ने उम्मीद का दामन और मेहनत का दामन नहीं छोड़ना, बस इतनी सी बात है, मेहनत का दामन नहीं छोड़ना, बाकी अल्लाह खैर करेगा, उसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। अल्लाह हाफिज़।